हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे सिलेबस का स्प्लिट आउट कि कैसे कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में क्या क्या है, चैप्टर्स हमें क्या क्या पढ़ना है ट्वेल्थ में। और अभी हम स्टार्ट कर चुके थे वहाँ पर सॉलिड स्टेट का। मैंने इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको बता दिया था कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास के लिए। तो चलिए आज हम सॉलिड स्टेट को प्रॉपर वे में स्टार्ट करने वाले हैं कि और उसके टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट एंड अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल वगैरह रख लीजिए अपने साथ, जो भी आपको कुछ नोट करना है कुछ साथ में नोट करते रहिएगा। तो आज हम पहले देखते हैं कि भाई सॉलिड स्टेट होता क्या है। एज वी नो कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चार तरह की हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस। ये तीन तो हमने अच्छे से पढ़ी हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। और चौथी स्टेट जो है वो प्लाज्मा स्टेट है, जो हमें सन पर दिखाई देती है, सन पर मिलती है। ये चार हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। प्लाज्मा जो है वो आयनाइजेशन के बाद आयंस के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयंस बनते हैं उससे बनती है ये फेज, और इसे काफ़ी हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये हमें सन के एटमॉस्फेयर में ही वहाँ पर दिखाई देती है। बाकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये हम इनके बारे में काफ़ी फेमिलियर हैं। तो ये तीन जो एनर्जी की जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मेन मैं तीनों की बात करूँ, प्लाज्मा को हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेट होती हैं। यदि एनर्जी का लेवल काफ़ी लो होगा मॉलिक्यूल के, जो जिनसे मिलकर वो बना है, जैसे आयन से मिलकर बना या एटम से मिलकर बना है वो सॉलिड, तो यदि मतलब कोई भी कंपाउंड जो है वो यदि सॉलिड स्टेट में है, दैट मीन्स उनके जो मॉलिक्यूल हैं जिनसे मिलकर बना है, एटम जिनसे मिलकर बना है वो, उनके पास एनर्जी बहुत कम है, वो मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पर इस फिक्स्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं, ओनली दे कैन वाइब्रेट अलोंग विद दैट पोजीशन, तो वो बन जाती है हमारी सॉलिड स्टेट। यदि उन मॉलिक्यूल के पास कहीं से ज़्यादा एनर्जी आ जाए, थोड़ा अमाउंट बढ़ जाए, हम बाहर से एनर्जी दे दें या वो सराउंडिंग से उस एनर्जी को ले लें एंड थोड़े से हायर एनर्जी लेवल पर आ जाए, तो वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। एंड देन और एनर्जी आ गई, ज़्यादा एनर्जी लेवल पर चले गई, मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो बन जाते हैं गैसेस स्टेट में, चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल। एंड और ज़्यादा आयनाइज होने के बाद, और ज़्यादा हाई एनर्जी पर पहुँचने के बाद, जब उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकल जाते हैं और वो आयनाइज हो जाते हैं, तो बन जाती है चौथी स्टेट, विच इज़ द प्लाज्मा स्टेट। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल आयंस जिनसे मिलकर वो बना है, उनके पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कितना वो मूवमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके पास, उनके अंदर जो है कैपेबिलिटी होती है अलग अलग स्टेट में चेंज होने की। यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, तो मैं जल्दी से आपको जनरल करेक्टरिस्टिक्स बता दूँ सॉलिड स्टेट की। वैसे तो आपको अच्छे से पता होगा सॉलिड स्टेट का जो मास है, वॉल्यूम है, शेप है, तीनों ही डेफिनेट होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल हिल ही नहीं सकते, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमाइज्ड होती है, काफ़ी कम होती है, और किसी किसी में तो बहुत ही कम होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं सॉलिड, एंड दैट्स व्हाई उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो बने हैं, उनकी पोजिशन जो है वो एक पॉइंट पर फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, बस हाँ उस पॉइंट पर वो ऑसिलेट कर सकते हैं, हिल सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से मूव नहीं करते हैं, तो वो उसी पॉइंट पर फिक्स रहते हैं, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। सॉलिड का मतलब ही क्या है, जिनका वॉल्यूम फिक्स हो, शेप फिक्स हो, साइज वगैरह सब फिक्स हो, एंड वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, यू कैन से इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सॉलिड ऐसे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिन्हें हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में गैप या एयर भरी हुई होती है, स्पेस होता है, अदरवाइज मैक्सिमम ऑल द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड वेरी वेरी रिजिड, और इसी वजह से उनकी क्या है, डेंसिटी कंपैरेटिवली और स्टेट में जो लिक्विड हैं, गैस है,
उनमें जो है डेंसिटी कम रहती है और सॉलिड की डेंसिटी हमेशा काफी कंपैरेटिवली हाई रहती है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि सॉलिड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। सॉलिड का यदि मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो मेजरली हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, एक अमॉर्फस फॉर्म और दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ये हम उनका अरेंजमेंट के बेस पर क्लासिफाई करें जो उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिसे मैं सीपी कहूंगी। हमेशा बार बार कंस्टिट्यूएंट नहीं बोलूंगी, लेटर ऑन आपको याद ही हो जाएगा मैं सीपी कनाट प्लेस को नहीं सीपी कह रही हूँ, मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। तो सॉलिड स्टेट में जो उनके सीपी हैं जिनसे मिलकर वो बना है, उनके अरेंजमेंट के बेस पर हम उन्हें दो कैटेगरी में रखते हैं, एक अमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। यदि मैं पूरा ओवरऑल आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा जल्दी से दिखा दूं तो सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्लासिफाइड हैं। इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन्हें हम ट्रू सॉलिड कहते हैं और अमॉर्फस जो है वो फॉल्स सॉलिड कहलाते हैं। तो ट्रू सॉलिड जिनके बारे में हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, उन्हें फिर फर्दर हम मॉलिकुलर आयनिक कोवेलेंट एंड मेटेलिक क्रिस्टल्स में डिवाइड करेंगे। एंड फर्दर मॉलिकुलर क्रिस्टल्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड कोवेलेंट क्रिस्टल्स में, तो मॉलिकुलर क्रिस्टल्स में सॉरी। तो ये प्रॉपर पूरा क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का जो हम यहाँ कैटेगरीज अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अभी मैं मेजर आपको दो कैटेगरीज आज बताने वाली हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए हम आज पहले बात करते हैं अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, हम उन्हें मेजर इन दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जो है वो दो करेक्टरिस्टिक उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि वो शॉर्ट रेंज के होते हैं, उनके अंदर जो जिन सीपी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो मिलकर बने हैं उनके पैटर्न को बहुत पुअरली डिफाइन किया जाता है, वो ज़्यादा दूर तक बहुत इक्वली एक जैसे नहीं टिके हुए होते हैं पॉइंट्स पर, वो बहुत इररेगुलर होते हैं। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत इररेगुलरली इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, वो लीनियरली पैटर्न में अरेंज नहीं होते। इसीलिए जब हम उन्हें तोड़ते हैं या फिर उनको काटते हैं तो उनमें जो सरफेस डेवलप होती है, जो कटने के बाद जो सरफेस आती है वो रफ सरफेस आती है, वो कर्व्ड आती है, वो प्लेन सरफेस हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है अमॉर्फस सॉलिड का एक करेक्टरिस्टिक है कि उनकी तोड़ने के बाद जो सरफेस आएगी वो इररेगुलर आएगी, क्योंकि उनके अंदर जो सीपी पार्टिकल्स हैं वो बहुत इररेगुलरली अरेंज होते हैं। एक अमॉर्फस सॉलिड को मैं ट्रू सॉलिड नहीं कह सकती, क्योंकि ये एक्चुअल में जो एक सॉलिड की पहचान है कि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, वो इनमें दिखाई नहीं देता। ये फ्लो भी कर सकते हैं, गर्म हीट टेम्परेचर यदि ज़्यादा हो जाए तो एक लिक्विड की तरह ये फ्लो भी कर जाते हैं। तो इसलिए वी आर सेइंग दैम कि हम उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब फॉल्स। तो ये सॉलिड जैसे दिखते हैं बाहर से, इनका अरेंजमेंट सॉलिड जैसा दिखता है, एक्चुअल में नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो कि कई बार लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत बेकार होते हैं, तो यहाँ भी अमॉर्फस सॉलिड कैसे हैं, बाहर से तो सॉलिड वाले दिख रहे हैं, सॉलिड जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर की सरफेस में पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं लेकिन अंदर के पार्टिकल्स सब हैपाजर्डली होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। दैट्स वाई दे आर वे वो दिखते हैं सॉलिड जैसे लेकिन होते नहीं हैं, सॉलिड की करेक्टरिस्टिक उनमें नहीं होती। और ये जो सॉलिड्स हैं, ये जो अमॉर्फस सॉलिड हैं, ये लिक्विड फेज को ही कूल करके, तेजी से कूल करके उनको सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। अदरवाइज उनको जैसे ही हीट वगैरह मिलेगी वो लिक्विड की तरह फ्लो करने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें स्लो कूल्ड लिक्विड भी, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो, पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं यहाँ पर। इन सॉलिड्स को यदि हम कहें कि भाई ये 50 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगा सॉलिड, ये 60 पर हो जाएगा, एक्यूरेसी है इसकी, ये शार्प है मेल्टिंग पॉइंट में या बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इनके, ऐसा नहीं होता। इन सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ना तो वो शार्प होते हैं, शार्प का मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होते, फिक्स नहीं होते, एंड दूसरा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होते। ठीक है, काफ़ी लो रेंज के होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, उनके में वेरिएशंस आते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स पर,
फिक्स आपको मॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे चारों तरफ है अमॉर्फस सॉलिड के, जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वैक्स है, सॉल्ट है, चॉकलेट है, टैफी है, ये सारे एग्जाम्पल आपके चारों तरफ जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, दे ऑल आर अमॉर्फस सॉलिड, जो कहने में तो सॉलिड है लेकिन ट्रूली दे आर नॉट अंडर द हेडिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, चलिए तो फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं या ट्रू सॉलिड किन्हें कहा जाता है। ऐसे कौन से सॉलिड हैं जिन्हें हम ट्रू सॉलिड का नाम दे रहे हैं? जो ट्रू सॉलिड्स हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह रहे हैं वो एक्चुअल में द रियल फॉर्म ऑफ द सॉलिड है, जिनमें जो सीपी है उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके, वो बिल्कुल अपने पॉइंट्स पर रेगुलरली फिक्स होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट मिलता है काफ़ी दूर तक, थ्री डायमेंशन में रिपीटिंग यूनिट होती है उनकी, रिपीट होती रहती है वो यूनिट, और वो डेफिनेट अरेंजमेंट होता है और बार बार रिपीट होकर वो एक बड़े पैटर्न में चेंज हो जाता है। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के सॉलिड्स होते हैं क्योंकि काफ़ी दूर तक इनकी जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी स्पेसिफिक होती है, पूरा जो वॉल्यूम है मटेरियल का जिनसे मिलकर वो पूरा बना है मटेरियल, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का अरेंजमेंट हमें उनमें, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब बार बार वही रिपीटेशन होगा और हमें बहुत दूर तक अच्छा रेगुलर ज्योमेट्रिक जो पैटर्न है वो दिखाई देगा, उनका सेटिंग दिखाई देगी, इसलिए इन्हें ट्रू सॉलिड कहा गया है क्योंकि ये उस डेफिनेट पैटर्न को बार बार रिपीट करके एक पूरे ट्रू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये अमॉर्फस सॉलिड है, इसकी सारी जितनी भी लाइंस हैं जिनसे वो मिलकर बना है सीपी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो लीनियरली बिल्कुल सेम पैटर्न पर जा रही है। यदि पैटर्न कोई ए से बी, बी से सी पर चेंज हो भी रहा है थ्री डायमेंशन में, तो उनका जो रिपीटेशन होगा वो फिर सेम पैटर्न का रिपीटेशन होगा, या तो मतलब ए ए टाइप का होगा या ए बी टाइप का है तो ए बी आता रहेगा, यदि सी बी आ गया है तो ए बी सी रिपीट होता रहेगा। तो देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ डेफिनेट पैटर्न इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइल अमॉर्फस में यदि आपको एक या दो लाइन भी लीनियरली अच्छे से अरेंज मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज बाकी के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल तितर बितर फॉर्म में रहते हैं, इररेगुलरली अपनी मनमर्जी करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी मनमर्जी से ही जीते हैं, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, दे आर द अमॉर्फस सॉलिड, राइट। चलिए तो जल्दी से हम इन दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं कि मेजरली दोनों जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड है उनमें मेजरली क्या क्या डिफरेंस है। बाकी इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं कल वाले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर एक बार क्वेश्चंस के साथ समझाने वाली हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप हो जाएंगे बोर, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाने में प्रीफर करती, इतना टॉपिक बताती हूँ कि आप एक एक टॉपिक साथ साथ मेरे पढ़ते रहें। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें एक तो थ्री डायमेंशन में बहुत अच्छा अरेंजमेंट मिलता है और क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जुड़े हुए हैं बहुत एक दूसरे से, टाइटली पैक्ड हैं और रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कांस्टेंट होता है, एक फिक्स पॉइंट पर ये बॉयल हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। दे आर एनाइसोट्रॉपिक, ट्रू सॉलिड हैं, सिमेट्रिसिटी दिखाई देगी, जो अरेंजमेंट है वो बार बार सेम रिपीट होगा, ज़्यादा रिजिड होते हैं और बहुत दूर तक इनका जो अरेंजमेंट है वो एक सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, और इसके ये एग्जाम्पल्स हैं वो देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए उनका काफ़ी लो रहता है और ना ही कॉन्स्टेंट होता है, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स हैं ये कहलाते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, लेस रिजिड होंगे एंड वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, मीन्स कुछ लेयर्स तो परफेक्टली मैच करेंगी लेकिन उसके बाद उनमें सब में डिस्टर्बेंस रहेगी। तो ये मेजरली डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, जिसमें से आई थिंक आपको एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, तो इसको मैं लेने वाली हूँ कल की वीडियो में विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करती रहूँगी आपके साथ, तो ये टॉपिक हम कल लेंगे, कल की वीडियो में आपको समझ आएगा कि व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक
एंड अमॉर्फस आर आइसोटॉपिक सॉलिड्स, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में आगे चलेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी एक और बड़ी फैमिली में चेंज हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कंटिन्यू करेंगे विद आइसो एंड आइसोटॉपिक क्रिस्टल। टिल देन बाय एवरीवन, एंड यहाँ तक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा सॉलिड स्टेट, ओके। एंड यदि कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इन DSL क्लासेस। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।